हो गया स्टार्ट? हाँ गया। वेरी गुड। यस क्लास। सर आपने। देवांश स्टार्ट करें। ओके सो हमारा नेक्स्ट जो आज का कॉम्बिनेशन है, आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज व्हाट, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ लिया था कि कोई भी कंडक्टर, एनी कंडक्टर, ठीक है, जिसमें से आप करंट को पास करवा रहे हो, इट ऑलवेज ऑफर सम अपोजिशन इन द एक्चुअली इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, एंड बिकॉज ऑफ इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर इज सम अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइनली इट लीड्स टू द अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, हम लोग फाइनली ये डिस्कस करके आए थे कि कंडक्टर कैसा भी हो, कुछ भी हो जाए, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे तो जब वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं और जब आप करंट पास कर रहे हो तो टेम्परेचर रेज होगा, मॉलिक्यूलर कुछ वाइब्रेशन होंगे, उनसे इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे और फाइनली अपोजिशन ऑफर किया जाएगा हर कंडक्टर के थ्रू। हमने उसको बोला कि दिस इज अपोजिशन विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब पॉइंट ये है कि हमने इतना तो पढ़ लिया कि हम ये सब तो जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला अपन ने निकाल दिया था, दैट इज रो एल बाय ए एंड दिस इज द यूनिट ऑफ आर इज ओम एंड एवरीथिंग। नाउ द पॉइंट इज दिस कि क्या ये अपोजिशन, क्योंकि वर्ड सुनने में ऐसा लगता है कि अपोजिशन इज ऑलवेज लाइक वी डोंट वांट दिस क्वांटिटी, क्यों आ गया ये पिक्चर में, क्या मतलब है, ये तो अपोज करता है, किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इट इज एक्चुअली वेरी यूजफुल समटाइम्स, लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हम लोग को स्टार्टिंग में लगता था, जब एनएलएम शुरू में न्यूटन्स लॉ पढ़ा तो हमको लगता था कि फ्रिक्शन जो है वो एक ईविल फोर्स है कि विच ऑलवेज अपोज, इट्स नॉट द राइट स्टेटमेंट। फ्रिक्शन डजंट ऑलवेज अपोज द मोशन, इनफैक्ट इट समटाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। फ्रिक्शन नहीं होता तो शायद मैं चल भी नहीं पाता। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन सुनने में हमने लगा कि फर्स्ट टाइम उनके दिमाग में आ गया कि यार एक ईविल फोर्स होगा, ऐसा ही कुछ यहाँ लगता है कि शायद रेजिस्टेंस तो यार किसी काम की चीज़ है नहीं, क्यों आया ये पिक्चर में, नहीं होना तो शायद ज़्यादा अच्छा होता, ऐसा नहीं है। कई बार इनफैक्ट इट इज रिक्वायर्ड, कई बार इलेक्ट्रिक सर्किट पर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें जरूरत होती है कि कोई स्पेसिफिक, कोई सेंसिटिव चीज अगर हमने लगा रखी है तो हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा करंट वहां पहुंच जाए। किसी सर्किट में कोई करंट फ्लो कर रहा है एंड वी हैव डिस्कस कि करंट कैसी क्वांटिटी होती है, माइक्रोस्कोपिक, राइट, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, माइक्रोस्कोपिक। तो क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है यानी करंट तो पूरे सर्किट में एक ही फ्लो हो रहा होगा, सो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड कि पूरे सर्किट में कोई ऐसा पोर्शन आ गया जो बहुत डेलिकेटेड है, बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, हम नहीं चाहते कि इतना बड़ा करंट वहां से जाए, तो उस करंट को अगर हम नहीं चाहते, यहाँ समझ लीजिए इतना पोटेंशियल में नहीं लगाना चाहता। ठीक है, इन द सीनियर क्लास इन एडवांस फिजिक्स वी हैव सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस और समथिंग लाइक दिस, बट हमारा की पॉइंट एज फार एज 10th क्लास इज कंसर्न, इट इज ओके अगर मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि एक इमेज बना रहा हूँ दिमाग में कि यार अगर मैं चाहता हूँ कि इतना बड़ा करंट नहीं जाए तो उस पर्टिकुलर डिवाइस पे करंट को पहुंचाने से पहले एक इंटेंशनली वी इंट्रोड्यूस सम रेजिस्टेंस, राइट, थोड़ा अपोजिशन हो जाएगा। बिकॉज हम लोग एक चीज समझ रहे हैं, आप एक छोटा सा पार्ट देखिए सर्किट का, मान लीजिए कि यहाँ पर ये कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कोई करंट आ ही जा रहा था, तो हमने एक चीज सीखी थी कि इसके अक्रॉस क्या ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप, एंड ओम्स लॉ एक्सप्लेन द वी किसके इक्वल आएगा, आई आर। तो सीधी सी बात है कि करंट तो जो सर्किट में जा रहा है वो जा रहा है, यानी इसका सीधा मीनिंग होगा एस वी इंक्रीज आर, जितना ज्यादा अपोजिशन मैं यहाँ लगा दूंगा उतना ज्यादा आईआर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने का मतलब हो गया कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि हमें ये कोई सेंसलेस चीज है, बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो अब पॉइंट ये है कि अगर हमने ये डिसाइड कर भी लिया कि हमको किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल ड्रॉप कराना है तो हमने इंटेंशनली वहां पे आर को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब तक पिछली क्लासेस तक हमको ऐसा लग रहा था कि जितने भी रेजिस्टर्स हैं, जितने भी कंडक्टर्स हैं वो कुछ अपोजिशन ऑफर करेंगे और जब उसमें से करंट पास होगा तो आईआर नाम का ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन ये ड्रॉप बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता इन नॉर्मल कंडक्टर्स, यानी हम लोग इंटेंशनली जब किसी सर्किट में किसी डिवाइस को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी डिवाइस को सेव करना चाहते हैं उससे पहले हमने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस ये जो सिंबल बनाया गया है, दीज आर स्पेशली डिजाइन्ड रेजिस्टर्स, राइट, ये डिवाइस है, राइट, और जहां तक हम इनकी बात कर रहे हैं तो आपको यू समझना है कि वी हैव समथिंग, एक्चुअली दिस इज नॉट इन यू नो वेरी मच डीप इन 10th क्लास, दिस इज द डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड कार्बन रेजिस्टर्स, इनको हम लोग बोलते हैं कार्बन रेजिस्टर्स। मार्केट में आप जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल मार्केट में अगर आप जाके पूछे तो वी हैव रेंज ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स, माइक्रो ओम से स्टार्ट होते हुए मेगा ओम, किलो ओम, बहुत बड़े बड़े रेजिस्टेंस हमारे पास होते हैं, ये इंटेंशनली डिजाइन किए जाते हैं। दिस इज नॉट अ वायर, इज इट क्लियर, कॉपर वायर,
नाइक्रोम एल्यूमिनियम ये रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं कर पाएंगे कि हम किसी डिवाइस से पहले अगर किसी करंट को कंट्रोल करना है, पोटेंशियल का ड्रॉप कराना है, तो इंटेंसली हमें रेजिस्टेंस चाहिए होते हैं जो कि अब बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन करंट तो पास करा देंगे लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफर करवाएंगे, सो दैट यहां से यहां आते हुए एक अच्छा खासा पोटेंशियल का क्या हो जाए, ड्रॉप। एज वी हैव डिस्कस्ड हियर कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते हुए करंट के जो पोटेंशियल जो सर्किट पे चल रहा था वो कितना हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो हमारा इंटरेस्ट है कि ड्रॉप होना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया कि वी डिजाइन समथिंग विच इज कॉल्ड कार्बन रेजिस्टर्स, इनको हम लोग कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। कार्बन रेजिस्टर्स बहुत छोटा सा डिवाइस होता है, राइट, आपने सर्किट पे देखा होगा, छोटे छोटे से चावल के दाने जैसे सर्किट बहुत सारे जुड़े रहते हैं डिवाइस, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को देखा हो आपने, उनको कार्बन रेजिस्टर्स बोलते हैं। अब इनमें क्या होता है, क्योंकि कार्बन अगेन गुड कंडक्टर भी चल रहा है और उसमें हम लोग जितना चाहें उसको पर्टिकुलर जितना सपोज हम लोग जब उसको बनाते हैं तो कुछ और मटेरियल्स भी मिक्स करते हैं, नॉट ओनली प्योर कार्बन, और फिर उसको प्लास्टिक जैकेट में बंद करके दोनों तरफ टर्मिनल्स निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कोई सर्किट चल रहा है, किसी सर्किट में आपको कुछ अपोजिशन ड्रॉप करवाना है, किसी कहीं पर्टिकुलर अपोजिशन ऑफर करवाना है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप करवाना है, तो बीच में कार्बन रेजिस्टर्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो हम लोग जानबूझ के उसको ऐड करते हैं और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये प्लास्टिक जैकेट होते हैं, दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कार्बन रेजिस्टर्स, राइट, ये कार्बन रेजिस्टर्स हैं। सो दिस इज अ डिवाइस विच इज कॉल्ड रेजिस्टर एंड इट विल ऑफर व्हाट, रेजिस्टेंस। तो मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि रेजिस्टेंस क्या होती है, प्रॉपर्टी, और रेजिस्टर क्या होता है, डिवाइस। इन ऑल अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट की हम लोग बात करें ना, थोड़ा सा एडवांस फिजिक्स की बात करूं, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तीन टाइप के डिवाइस होते हैं, वन इज आर विच इज कॉल्ड रेजिस्टर्स, वन इज this symbol which is called capacitors, मैंने last class में बताया था condensers, capacitors, and we have one more symbol which is called inductor, this is R, this is C, this is L, हालांकि ये सब advanced physics है, don't worry, 10th class में कोई इसका लेना देना नहीं है। हम लोग किसी भी complex से complex electric circuit पे जब बात करते हैं तो इस तरीके की कुछ components पे काम कर रहे होते हैं, ये भी अपोजिशन ऑफर कर सकता है, ये भी कर सकता है, बट अलग अलग तरीके की, डीसी का डायरेक्ट करंट है तो कुछ अलग डिवाइस प्रेफर करेंगे हम लोग, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट पे काम कर रहे हैं तो हम अलग तरीके की डिवाइस यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन भी होते हैं, आर सी सी एल आर एल बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करनी है। हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था कि जितने भी कंडक्टर्स हैं, लेट्स स्टार्ट अगेन रिवाइजिंग फास्ट, जितने भी कंडक्टर हैं जब उसमें से करंट पास होता है तो कंडक्टर क्या ऑफर करता है, अपोजिशन, अपोजिशन विच प्रॉपर अपोजिशन जो है उसको हमने क्या नाम दिया, रेजिस्टेंस। हमें ये समझ में आ गया कि करंट किसी भी कंडक्टर में से पास होगा तो एक अपोजिशन ऑफर होगा जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है, और फिर आज हमने ये सीख लिया कि रेजिस्टेंस कोई इविल फैक्टर नहीं है, समटाइम्स इट इज गुड इनफैक्ट फॉर सर्किट्स। तो हमें इंटेंशनली जरूरत होती है कि यहां से यहां जाते वक्त इतना अपोजिशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि नॉर्मल कंडक्टिंग वायर्स के भरोसे हम नहीं रहेंगे, हमने स्पेशली कुछ फैब्रिकेट किए डिवाइसेस विच आर कॉल्ड कार्बन रेजिस्टर्स एंड दे ऑफर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये इतने छोटे होते हैं कि इनके ऊपर न्यूमेरिक नंबर्स में नहीं लिखा जाता है, कलर कोडिंग्स होती हैं, यहाँ पे रिंग्स बना देते हैं, ऐसे कुछ कलर की रिंग्स बना दी जाती हैं, तीन रिंग और इस तरीके से डॉट, समटाइम्स वी हैव डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, ये सब आपको नहीं करना है, डोंट वरी, दिस इज नॉट फॉर योर 10th क्लास लेवल, ये सब बहुत आगे की चीज है, क्योंकि इतनी छोटी होती है उसको कैसे पता लगाएंगे कि ये 5 ओम का है या 10 ओम का है या 50 ओम का है, तो ये कलर कोडिंग होती है, जैसे कोडिंग लैंग्वेज होती है कोड में बातें करना, ऐसे कोड्स कलर कोड होता है, उस कलर कोड के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो स्पेसिफिक डिवाइस आप मुझे दे रहे हो, जो भी कार्बन रेजिस्टर आप दे रहे हो वो कितना अपोजिशन मुझे ऑफर करने वाला है, इज इट ओके। सो हमारा इतना सा सिर्फ ध्यान रखना है कि वी हैव समथिंग विद सम डिवाइसेस व्हिच आर स्पेशली फैब्रिकेटेड मेड बाय सॉफ्ट आयरन मे बी सॉरी कार्बन, एंड उसको हम लोग प्लास्टिक जैकेट से बंद करके दोनों तरफ टर्मिनल निकाल देते हैं, वी कैन कनेक्ट एनी टाइम विद एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, और इन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन रेजिस्टर्स, इज दैट ओके, इज दैट ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नाउ द पॉइंट इज कि जब ये कार्बन रेजिस्टर्स पे हमने डिस्कशन भी कर लिया कि कार्बन रेजिस्टर्स क्या होते हैं, क्या पर्पस है कार्बन रेजिस्टर्स का, इससे आगे अगर हम लोग बढ़े तो यहाँ जो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है 10th क्लास में जो वर्ड यूज हो रहा है, दैट इज कि जब आपके पास कोई कार्बन रेजिस्टर्स है, फॉर एग्जांपल एक तो यूज समझ लीजिए कि आइडियली तो कार्बन रेजिस्टर हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, आप लोग यू कैन कीप राइटिंग साथ साथ अगर लिख सकते हैं तो, ठीक है, दिस इज कार्बन रेजिस्टर्स, दीज आर कार्बन रेजिस्टर्स विच ऑफर सम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसमें यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस तरीके से कुछ कलर रिंग्स बनाई जाती है, फर्स्ट रिंग, सेकंड रिंग, थर्ड रिंग, समटाइम्स वी यूज द कलर ऑफ द प्लास्टिक जैकेट और समटाइम्स वी यूज द डॉट, ठीक है, एंड देन वी हैव स्पेसिफिक मीनिंग ऑफ दीज रिंग्स, एंड वी आर नॉट राइट नाउ डिस्कसिंग दैट कि उन रिंग्स का क्या मतलब होता है, वो भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज 10th क्लास में इसका मतलब नहीं पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज कि जब ये कार्बन रेजिस्टर्स आपने बना लिए, दिस इज अ डिवाइस,
अब इसको आप किसी सर्किट में जब यूज करोगे तो क्या होगा कि वी कैन कनेक्ट इन टू वेज, राइट। हमारे पास किसी भी रेजिस्टर इनका जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो यू दिखाते हैं, राइट। दिस इज द सिंबल फॉर, यू कैन से कि कभी भी आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा zigzag कुछ पार्ट दिख जाए तो समझ जाइए कि आप उस सर्किट में आपने क्या जोड़ा हुआ है, कोई कार्बन रेजिस्टर। इनफैक्ट ऐसा भी जरूरी नहीं है, वैसे तो आप अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई बल्ब भी लगा देंगे या कोई एलईडी लगा दी आपने, कोई भी डिवाइस लगा दी, एवरी डिवाइस ऑफर सम रेजिस्टेंस, तो ऐसा है कि आप किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर ये दिखा देते हो तो इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड कि यू आर टॉकिंग अबाउट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट डिवाइस। तो रेजिस्टेंस को सिंबलाइज करने का एक तरीका है, हम लोग इसे सिग्जैग कर देते हैं, दिस इज आर, मतलब ये आने का मतलब होता है हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में काम कर रहे हैं और उसका कोई पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है जो क्या ऑफर कर रहा है, रेजिस्टेंस। अब इट कुड बी अ डिवाइस और इट कुड बी अ कार्बन रेजिस्टर, राइट, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कैसा भी हो सकता है। दिस इज व्हाट अबाउट द कार्बन रेजिस्टर्स। यहां से हमारा टॉपिक आगे बढ़ जाता है कॉम्बिनेशंस की जब बात करते हैं, तो किसी भी सर्किट में जब हम लोग कॉम्बिनेशंस करते हैं एक सर्किट का, तो कॉम्बिनेशन दो तरीके के कराए जा सकते हैं, राइट। कॉम्बिनेशंस की बात करें तो वी हैव टू वेज टू कनेक्ट दीज कार्बन रेजिस्टर्स। वन इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, द सेकंड वन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सर्किट में थोड़ा हेल्प कर दूं, बता दूं क्या हो रहा है, हम किसकी बात कर रहे हैं। इफ आई कनेक्ट सपोज टू और थ्री कार्बन रेजिस्टर्स इन दिस वे एंड टू एंड, इज दैट क्लियर। मैं आप थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ, सपोज दिस इज अ मीटर एंड दिस इज अ की, हमने यहाँ पे एक सेल लगा रखा है, कोई बैटरी लगा रखी है, एंड दिस इज द सिचुएशन। तो हमारे पास ये R1, R2, R3 तीन टाइप के रेजिस्टर्स हमने यूज किए और इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज जनरल सर्किट, ठीक है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर मैं इन रेजिस्टर्स को ऐसे जोड़ता हूँ, राइट, देवांश, फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट यहाँ ले लिया, एक पार्ट यहाँ ले लिया, एक पार्ट हमने यहाँ ले लिया, सो इट्स समथिंग, दिस इज अनदर वे ऑफ कॉम्बिनेशन कंबाइनिंग द टर्म्स, लाइक हम लोगों ने इस तरीके से रेजिस्टर्स को जोड़ दिया, तो इसमें बहुत सारे और फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, बट अभी हमारा मेन इंटरेस्ट वो नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट पे हम काम कर चुके हैं, मैं एक सिंपल डिस्कशन कर रहा हूँ, नॉर्मल डिस्कशन। दिस इज द सिचुएशन, लाइक सो वी हैव सीरीज कॉम्बिनेशन, वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन, दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं। अब सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करते वक्त अगर हम लोग एक एक करके आगे बढ़े, सपोज हमारा फर्स्ट अटेंशन हम लोग ले रहे हैं किस तरह बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप लोग डिस्कस करते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मे बी टू और मोर देन टू रेजिस्टर्स, द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम, राइट, यू कैन सी फ्रॉम द सर्किट, बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप मुझे एक सिंपल सी चीज बताइए कि अगर मेरे पास इस तरीके से R1, R2, R3 तीन सपोज मैंने सर्किट मैंने यहाँ पे जोड़ रखा है, मैं बार बार पूरा सर्किट नहीं बनाऊं तो भी चल जाएगा, आप लोग इसको आधा बना के डील कर सकते हैं, राइट, जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो इट्स ओके, इतना काम चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से कितना करंट चला बेटा, आई, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल करंट, यू कैन नोटिस मैंने इसको कहां से चलाया है, प्लस टर्मिनल से माइनस, बिकॉज इट्स नेसेसरी, हम लोग सारी जो स्टडी कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, कन्वेंशनल करंट पे, तो हमारा करंट यहाँ से होता हुआ वापस सर्किट पे आएगा। Now the point is this, कि अगर मैं इसको R1 resistor मान रहा हूँ, इसका resistance R2 मान रहा हूँ, इसका resistance R3, मतलब these are carbon resistors which are offering different resistances, say R1 ohm, R2 ohm and R3 ohm, इनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो इस सर्किट में देख के साफ पता लग रहा है, इस सर्किट में से आप किसी के अक्रॉस बात कर लीजिए, आपको करंट हमेशा कितना फ्लो होता हुआ दिखेगा, सेम, दैट इज आई, राइट, करंट तो आपका आई चल रहा है यहाँ पे। Now the point is very simple. एक छोटा सा example अगर मैं लूँ, suppose जब आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, and you all know current अगर flow कर रहा है, तो higher potential to lower potential जा रहा होगा. It's very simple, like बहुत आसान सी चीज़ है. मुझे ये पता है कि अगर मैं इस point को suppose A बोल देता हूँ और इस point को मैं B बोल दूँ, या इसको मैं इसको मैं B point बोल देता हूँ, so एक चीज़ clear है कि potential जो है वो A पर हायर है और B पर पोटेंशियल लोअर है, इसीलिए कन्वेंशनल करंट कहां से कहां जा रहा है, A टू B फ्लो होता हुआ चल रहा है। नाउ द पॉइंट इज दिस कि जब आप A से B करंट फ्लो होता हुआ आपको दिखा, हम जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आते हैं तो हम एक कहते हैं, सबसे वन डेफिनेशंस की हम लोग बात करें, फॉर्मल डेफिनेशंस क्या है, द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ देयर इज ओनली वन वे टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट थ्रू द रेजिस्टर्स। अगर मैं A से B तक आना चाहता हूँ, राइट, और देयर इज ओनली वन वे, आई हैव ओनली वन वे, मेरे पास और कोई रास्ता है भी नहीं, मुझे इधर से ही आना पड़ेगा, सो इफ आई हैव ओनली वन वे टू ट्रेवल बिटवीन A एंड B इन सम इलेक्ट्रिक सर्किट्स, देन द रेजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, और वी कैन से इफ द करंट
truth all the resistors are same is same then the circuits are that the resistors are said to be connected in series yani do definitions hai yahan to hum physical quantity ki term mein baat kar lete hain ki agar jitne bhi resistors aapke paas hain un sab mein se same current flow ho raha hai to ye bolenge ki ye combination kaisa tha series या फिर इसको ज्योमेट्रिकल पाथ के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम यू बोल सकते हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के दौरान आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है घूमने का तो इसका मतलब डेफिनेटली आपने जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो कैसा किया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन अब सीरीज कॉम्बिनेशन के आगे जैसे ही बढ़ते हैं we have something very important which is called equivalent resistance right you can just maybe if you can manage writing the notes parallel to okay otherwise ruk bhi sakte hain because main ek baar fir short review le lunga koi issue nahi ek baar hum isko topic ko cover kar lete hain ek baar frame banaiye picture pura dimag mein kya hum kar kya rahe hain theek hai hamare paas carbon resistors aa gaye humne unko series mein connect kar diya humne ye samajh liya ki series mein bola kab jata hai jab hamare paas ek hi rasta hota hai ya phir yu kehte hain ki current sab mein se kaisa chalna chahiye same अब पॉइंट ये है कि मान लीजिए मैं एक हार्ड वर्कर स्टूडेंट हूँ और राजन इज अ स्मार्ट वर्कर स्टूडेंट राजन ने आगे ये कहा यार सर एक बात बताओ ये तीन तीन रेजिस्टर्स लगा के आपने ए से बी ट्रेवल करवाया इन तीन को हटा के ऐसा नहीं हो सकता एक ही लगा दें तो भी सर्किट काम कर जाए बिल्कुल हो सकता है यस यू कैन तो सिंपल सी बात है राजन का एम बहुत सिंपल है राजन तीन रेजिस्टर्स जो कि कैसे कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए थे सीरीज में उनको हटा के एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं एक ही रेजिस्टर लगाना चाहते हैं लेकिन सर्किट वो यही यूज करना चाहते हैं मींस एक सिंपल सी बात है कि आप कुछ इसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट राइट इक्विवेलेंट सर्किट यानी एग्जैक्टली यही सेटअप लेंगे सारा का सारा सेटअप राजन यही यूज करेंगे सेम बैटरीज तो सेम बैटरी विल प्रोड्यूस सेम पोटेंशियल डिफरेंस यस ये वही पॉइंट है और यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि सर मैं ए और बी के बीच में एक ही रेजिस्टेंस लगाऊंगा विच इज डिक्लेयर्ड एज आर एस राइट सो व्हेन आई राइट आर एस दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस राइट इन सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब इन तीनों को हटा के एक ही लगा देते हैं और तो भी ये सर्किट बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे ही हमें काम कर रहा था ठीक है सो इट्स वेरी सिंपल अगर मुझे उस आरएस को कैलकुलेट करना है कि ये कैसे आया इसको मैं थोड़ा सा स्टेप वाइज बढ़ा के दिखा देता हूँ लेट अस्यूम मान लेते हैं कि जो ये बैटरी आपने लगाई थी ये बैटरी ए से लेके बी के बीच में ये जो पॉइंट है ना ए और बी दो पॉइंट इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है बी का मान लेते हैं कि इस बैटरी के लगाते ही याद करो हमारे आई थिंक इससे पहले से पहले वाला लेक्चर मैंने हमने डिस्कस किया था कि बैटरी का काम क्या होता है हम ये जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर आपको करंट फ्लो कराना है तो उस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस क्या डेवलप करना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने का काम कौन करता है बैटरी और सेल में भी राइट कोई भी ईएमएफ सोर्स हो सकता है तो हमने कहा कि ये बैटरी ने इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा दिया था वी ओके डन नाउ अगर आपने यहां पर वी लगाया था और जब यहां से करंट चला तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ नाउ प्लीज कनेक्ट समथिंग मे बी यहां पे आप उस आंसर को समझ पाए जो हमने ओम्स लॉ में डिस्कस किया था कि क्या ये कहना ठीक होता है वी इज प्रोपोर्शनल टू आई या ये कहना ठीक होता है आई इज प्रोपोर्शनल टू वी देयर इज अ रीजन एक्चुअली दोनों ठीक है लेकिन उनका अपना अपना एक एंगल है आप कहां से देख रहे हो उन चीजों को तो उसका आंसर अगर आपको समझना है तो सर्किट को फोकस रखिएगा हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां से करंट चलना शुरू हुआ आई ठीक है और हम ये जानते हैं कि ओम्स लॉ हमें ये बताता है कि हम तो सब जानते हैं ओम्स लॉ में हमने कुछ पढ़ा था कि बी किसके इक्वल होता है आई आर यानी करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दो तो किसके इक्वल आ जाएगा बी के अब एक छोटी सी चीज बताओ जब पॉइंट ए से लेकर करंट फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को बोल देता हूँ एक्स वन इस पॉइंट को बोल देता हूँ एक्स टू ओके तो जब करंट ए से एक्स वन आया तो यहां पर भी तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया होगा ना क्योंकि करंट ने किसको क्रॉस किया आर को सो मे बी इट्स समथिंग लाइक आप घर से कुछ पैसे लेके निकले आपको मैंने 100 रुपए दे दिए आपको मैंने कहा कि आप यहां से जाइए बस में बैठिए किसी स्पेसिफिक शॉप पे जाइए वहां से सामान परचेस करिए फिर बस में बैठ के वापस आ जाइए एंड जब आप वापस आएंगे तो आपके पूरे पैसे खत्म हो जाने चाहिए दिस इज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ समथिंग वी कैन कंपेयर मैं सिंपल जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो भी चार्ज हालांकि हम सब जानते हैं कि फ्लो जो कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन राइट लेकिन हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि कोई पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो कर रहा है ओके हम यूं मान लेते हैं दिव्यांश जी कि यहां से जब पॉजिटिव चार्ज निकला उसके पास एक एनर्जी थी और यू कैन से उसके पास कुछ पैसे थे ठीक है 100 रुपए थे जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया 100 रुपए लेके निकला उसने पहला कुछ 20 रुपए फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 20 रुपीज यहाँ खर्च हो जाएंगे बना इसे रुपीज अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करूं इट्स समथिंग जो पोटेंशियल आप लेके निकले हो पोटेंशियल क्या था याद करो थोड़ा कनेक्ट करो पोटेंशियल क्या था वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट
So if the potential is work done, that means we are something talking about energy, क्योंकि work किसके equivalent हो जाता है? Energy के. तो actually अपन यू समझ सकते हैं कि जब यहाँ से positive charge निकला, उसके पास एक अच्छी खासी मैं it's not the right word, but okay, to understand it's okay. ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास एक energy थी, ठीक है? अब ये energy यहाँ से लेके निकला, जब वो यहाँ से cross करेगा, तो R1 जो है, वो क्या है? Please connect with me. Resistor क्या offer करेगा? Resistance, which is in general language it is a position. तो किसी अपोजिशन को क्रॉस करते हुए जब चार्ज आगे जाएगा तो अपनी कुछ ताकत खर्च कर देगा, एनर्जी खर्च करेगा. लॉस तो नहीं वर्ड है, ठीक, बिकॉज एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है, इस यूज की, ठीक है, उसने एक्सपेंड, इसने काम किया, इसको कुछ काम करना पड़ेगा. इस अपोजिशन को क्रॉस करते हुए यहां तक आएगा, कुछ पार्ट यहां खर्च हो जाएगा. सो वेन वी से कुछ पार्ट खर्च हो जाएगा, इन जनरल लैंग्वेज वी आर सेइंग एनर्जी, बट एक्चुअली इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ पोटेंशियल खर्च हो गया ना, कुछ पोटेंशियल कम हो गया. यहाँ जितना पोटेंशियल था उसका कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप हो गया, ठीक है. फिर सपोज ये वो चीज है, जैसे एंड इन जनरल फॉर एग्जांपल, ये आप यहाँ से लेकर सपोज राधा पार्क चले गए, आप बस में गए, ये वो पैसा है जो आपने बस में जाने में खर्च किया. फिर आप वहाँ शॉप पे पहुंच गए, आपने 40 रुपए की सपोज वहां से यहाँ 60 रुपए की चीज ली, तो 20 रुपए जाने में, 60 रुपए सामान खर्च करने में और 20 रुपए आने में, इन ऑल जब आप वापस आओगे तो आपके पास कितने रुपए हैं? जीरो. तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है. इसको अगर अपन कनेक्ट करें कि यहाँ से एक पोटेंशियल लेके, एक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला, बिकॉज इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द बैटरी, इलेक्ट्रॉन और से पॉजिटिव चार्ज फ्लोस एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन एनर्जी, है ना, दे आर नॉट ड्राइवन बाय समवन. ऐसा नहीं है कि उनको कोई चला रहा है. एक्चुअली बड़ा गजब की चीज है केमिस्ट्री में, जब हम लोग एडवांस फिजिक्स में जाते हैं, यहाँ हो कुछ ऐसा रहा है, हम कुछ अजीब सी बात कर रहे हैं कि ये कैसा टर्मिनल होता था बेटा, थोड़ा सा लॉजिकली सोचेगा, नेगेटिव, और ये कैसा होता है? पॉजिटिव. हम ये मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चला, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम कर रहा है सिर्फ, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मैं इलेक्ट्रॉन को बीच में प्रोड्यूस करूँ, उलझ जाएंगे हम लोग, अपन पॉजिटिव कन्वेंशनल बातों में चल रहे आ रहे हैं. ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट, अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज बना, सपोज आयन या चार्ज, व्हाटएवर. अब मैं आपको ये बोलूंगी एक काम करो, लक्ष्य यहाँ इस बैटरी के अंदर ना एक पॉजिटिव चार्ज है, उसको यहाँ बिठा के आ जाओ. ये नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट हो रहा है. कोई पॉजिटिव चार्ज खुद पॉजिटिव पे क्यों जाना चाहेगा? बी लॉजिकल, सब समझ में आ जाएगा आपको. एक सिंपल, अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्री कर देंगे तो मैं जहां जाना है जाओ, कहां जाएगा वो? सीधी सी बात है ना. आप एक, हम लोग नाइन्थ क्लास में पढ़ के आए मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी ब्लॉक को आप यहां से ऊपर उठा के ऊपर लेके जाओगे तो ये आप नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या उसके फेवर में काम कर रहे हैं? एंड क्योंकि आप एक अगेंस्ट नेचुरल प्रिंसिपल के काम कर रहे हो, तो आप यू आर बीइंग एक्सटर्नल एजेंसी, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं काम कर रहा हूं मतलब मैं एनर्जी स्पेंड कर रहा हूं, एनर्जी लॉस हो नहीं सकती, सो माय एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो जब मैं किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हुए इसको ऊपर ले जाता हूं, मैंने काम किया, तो मेरी एनर्जी जो थी वो इसमें स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. और जब इसको यहां से छोड़ दूंगा, जैसे मैं इसको यहां से छोड़ूंगा, ये नीचे आ गई, तो यहां से यहां आते वक्त एग्जैक्टली उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी खर्च होती चली जाएगी, जितनी एनर्जी मैंने यहां स्टोर की थी ना, वो सारी यहां तक आते आते खत्म हो जानी थी. कुछ ऐसा ही हो रहा है, वैसा ही कुछ यहां भी हो रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में. वी आर नॉट इन हरी कि बस फटाफट टॉपिक खत्म कर दिया, थोड़ा समझ ले. हुआ क्या, यहां पे मान लो पॉजिटिव चार्ज था, आपने उसको बोला कि इस पे खड़े हो जाओ. अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कोई रिएक्शंस हो रही है, मैं अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं लेके जा रहा, वहां पे अपन से भी बात कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, उसमें से पॉजिटिव चार्ज यहाँ आके इकट्ठा हो गया. ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, अपने आप तो नहीं आया होगा, इसको किसी ने जबरदस्ती ले जाकर खड़ा किया होगा. तो क्योंकि यहां तक इसको इसके नेचुरल इंटरेस्ट के अगेंस्ट ले जाया जा रहा है, जैसे मैं अभी डस्टर को ऊपर लेके आया, यस, ऐसे ही आप पॉजिटिव चार्ज को यहां ले जा रहे हो, तो डस्टर में क्या स्टोर हो गई थी? एनर्जी. मैंने काम किया वो उसमें स्टोर हो गई, ऐसे ही कुछ पॉजिटिव चार्ज में यहां एनर्जी स्टोर हो जाएगी, राइट. अब जब इसके पास एनर्जी है, अब मुझे बताओ यहां पे जब मैंने इसको छोड़ा तो यहां से यहां डस्टर खुद ही आ गया था, यानी ये भी मैं लेके आया था, खुद आएगा. तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल थिंग कि व्हेन पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट मूविंग इन द सर्किट, ये अपनी एनर्जी में चल रहा है, इसके पास एनर्जी है, उसको खर्च करनी है, वो यहां से लेकर यहां तक आते आते सारी एनर्जी खर्च कर देगा जितनी उसको मिली थी, राइट. दिस सिंपल फिजिकल एनालॉजी. तो अब पॉइंट ये है कि जैसे यहां से ये चला, हम ये मान लेते हैं कि कुछ एनर्जी, यू कैन से इन जनरल लैंग्वेज यू कैन से कुछ एनर्जी यहां खर्च हो गई,
तो उसको अपन टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया, ठीक है। फिर कुछ यहाँ खर्च हो जाएगी, थोड़ा और ड्रॉप हो जाएगा, फिर कुछ यहाँ खर्च हो जाएगी, थोड़ा और ड्रॉप हो जाएगा। इन ऑल यहाँ तक आते आते सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो कुछ हुआ यूं कि अब ओम्स लॉ की बात करें तो करंट यहाँ से चला, इधर कितना ड्रॉप हो जाएगा अगर मैं इसको वी वन मानू तो वी नो इधर हो जाएगा आई इंटू आर वन, क्योंकि आई आर किसके इक्वल होता है पोटेंशियल ड्रॉप के। करंट कितना जा रहा था आई, रेजिस्टेंस कितना था आर वन, तो आई आर क्या हो जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप। सो ये जो वी वन है ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए एंड एक्स वन हो गया। फिर जब x1 से x2 गए थोड़ा सा ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, this is IR2। फिर जब यहाँ जाएंगे this V3 is equal to IR3 and then so on। अब ये तो तीन मैंने जोड़े हैं, ज्यादा भी हो सकते थे। इन ऑल एक बहुत सिंपल एग्जांपल के साथ अपन कनेक्ट करके आए हैं कि कुल मिला के यहाँ तक आते आते कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाना चाहिए था एग्जैक्टली V, जितना बैटरी ने लगाया था, राइट। सो इट मीन्स That means आप कुछ यू कह रहे हो कि जो टोटल V है ये V, this is equals to V1 plus V2 plus V3, और इस V को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि this is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. Is it okay class? This is in the real circuit. Now what happens if we substitute these three by using single resistance? एक बात बताओ, आपने इन तीनों को हटाया, उसकी जगह एक resistance लगा दिया, तो भी बैटरी तो आपने वही यूज की है, करंट तो अभी भी वही चलेगा आई, राइट। अब ये आई करंट चलेगा तो जब ये करंट यहां से यहां जाएगा तो कितना पोटेंशियल ड्रॉप करेगा आई आर एस, क्योंकि एक ही है, और ये एक भी एग्जैक्टली किसके एक पर होना चाहिए जितना इन तीनों ने मिलकर किया था। सो दैट मीन्स इस सर्किट के लिए गलत नहीं होगा अगर मैं लिख दूं कि दिस इज इक्वल्स टू आई आर एस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप तो दोनों बार सेम ही हो रहा है, ये तीन मिलके उतना ड्रॉप करा रहे थे जितना ये अकेला करा रहा है। और जब इसी को हमने कहा कि एक ऐसा रेजिस्टर जो तीनों के मिलकर जितना किया था उतना ही काम करवा सकता है, उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर बोलते हैं। सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल, इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इफ आई गिव दिस इक्वेशन नंबर 2, सो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, अगर हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें, सो वी हैव समथिंग व्हिच इज कॉल्ड IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को कॉमन लेके काट देते हैं यहां से, राइट क्लास। तो I को जब आप कैंसिल करेंगे तो वी हैव RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दिस इज समथिंग कॉमन सीरीज कॉम्बिनेशन फार्मूला, कि जब भी आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टर्स को ऐड करना है इट इज सिंपल, आपको सिर्फ उनको जोड़ते चला जाना है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू RN, जितने रेजिस्टर्स है सबको सीरीज में जोड़ दीजिए, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग सबमिशन